अफ्रीकन देश नाइजर में हुआ मिलिट्री कॉप की वजह से ये देश डिस्टेबलाइजेशन की तरफ बढ़ चुका है और मेनली देखा जाए तो ये लड़ाई इनडायरेक्टली वेस्टर्न देश और रशिया के बीच में छिड़ा हुआ है। अब नाइजर में मिलिट्री कॉप का मतलब है फ्रांस का इस देश से कंट्रोल छूटना, साथ ही ऐसे पावरफुल देशों की इस देश में एंट्री जो कि कई सालों से इस रीजियन का नेचुरल रिसोर्स और खजाने से एक्सेस पाना चाहता है। वैसे जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं कि नाइजर में यूरेनियम, कोयला, गोल्ड, पेट्रोलियम और आयरन के काफी सारे रिजर्व मौजूद है। वही रशिया समेत चाइना, भारत और टर्की जैसे देश यहाँ की परिस्थिति पर नजर गड़ाए बैठे हुए है, क्योंकि फ्रांस के इस रीजियन पे से कंट्रोल छूटने का मतलब है इन देशों की इस देश में एक बड़े लेवल पे एंट्री। इन सब बेहद ही कीमती एलिमेंट्स के अलावा नाइजर का एक और सेक्टर है जिसका कंट्रोल करने के लिए भारत, रशिया और चाइना के बीच में आने वाले समय में एक बड़ा कंपटीशन देखा जा सकता है। और सेक्टर है नाइजर की रेलवे, जिसे शुरू करने के बाद फ्रेंच कंपनी ने आधे में ही इसको छोड़ दिया था। देखिए, नाइजर एक लैंडलॉर्ड देश है पर आधा खनिज देश होने के बाद भी ये देश रेलवे से पड़ोसी देश के साथ कनेक्ट नहीं है। 2014 से 16 के बीच में फ्रेंच कंपनी ने इस देश में रेलवे प्रोजेक्ट को शुरू किया था, पर पॉलिटिकल रीजन की वजह से ये प्रोजेक्ट खत्म नहीं हो पाया था। इस कंपनी का मोटिव था रेलवे लाइन बिछा के इस देश के खनिजों को बेनिन के पोर्ट पर ले जाना और वहां से दूसरे देशों को एक्सपोर्ट शुरू करना। हालांकि ये काम आधे तक ही हो पाया और कुछ जगह पे ट्रेन भी चलने लगे थे, पर इसके बाद ये प्रोजेक्ट रुक गया था। अभी ये कह पाना मुश्किल है कि नाइजर का मिलिट्री कॉप सफल होगा भी या नहीं, क्योंकि खबर ये आ रही है कि नाइजर के पड़ोसी देश इस कॉप के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन ले सकते हैं। लेकिन अगर नाइजर फ्रांस के इन्फ्लुएंस से पूरी तरह मुक्त हो जाता है तो भारतीय रेलवे के लिए एक नया एक्सपोर्ट मार्केट खुल सकता है, और वो इसलिए क्योंकि नाइजर सबसे पहले अपने देश का फॉरेन रिजर्व को बढ़ाने के लिए माइनिंग बहुत तेजी से बढ़ाएगा और अपने खनिज और मिनरल्स को एक्सपोर्ट करने के लिए नाइजर को एक बड़ा रेलवे नेटवर्क की जरूरत भी पड़ेगी। और अब यही आशा करा जा सकता है कि भारत को इस रीजन का एक्सेस मिल जाए और नाइजर अपने मिनरल्स का एक्सपोर्ट करना शुरू कर दे, जो कि भारत को बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आए तो ये वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।